हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून. मैं ठीक हूँ. और आज मैंने दिन से वीडियो शुरू किया है. ये चार्जर लगा हुआ है पीछे, क्योंकि सुबह के काम इतने ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रही थी ना आज मैं, क्योंकि इसे क्लास जाना था आज से, तो कोचिंग ले रहा है ये. तो अब सुबह से मैं अभी तक ना अकेली थी, तो मेरे पता है अकेली थी ना, वीडियो बनाने की भी हिम्मत नहीं हुई. फिर अकेले रहती नहीं हूँ ना मैं, तो मुझे आदत नहीं है, पड़ेगी धीरे धीरे आदत. सो अभी चलिए मैं भी लंच कर लेती हूँ, और फिर मुझे ना बर्तन भी धोने हैं अभी थोड़ी देर में. फिर बताती हूँ मैं आगे क्या करने वाली हूँ. जो है रौनित अभी अपनी क्लास से आया है और ये लंच कर रहा है. ठीक है, इसके लंच में है दाल रोटी और लस्सी, और हाँ थोड़ा सा सुबह का पोहा बच गया था. और मेरे लंच में है ये नाशपाती, और खीरा खा रही थी मैं, खीरा कड़वा निकला. तो वैसे तो मुझे नहीं जाना था, बट अब मुझे जाना पड़ रहा है, मार्केट जा रही हूँ मैं. तो पहले ग्रॉसरी का शॉपिंग करना है मुझे, और फिर देखती हूँ क्या लेकर आती हूँ. सो चलिए मैं चलती हूँ, हो सका तो रास्ते की क्लिप लूँगी मैं, नहीं तो आगे मिलूँगी आपसे. ठीक है, तो चलिए. A few moments later. Say hi. Hello guys. तो ये आ गई हैं ऑफिस से, और ये देखिए चाय पी रही है. ये चाय के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है ये, क्योंकि इसने मुझसे सुबह बोला था नो कॉम्प्रोमाइज़ विद चाय. सो ये 3 लीटर चाय पूरे दिन में पीती है, मतलब 10 कप चाय. दूध नहीं पीती है पता है ये, इसको बहुत गंदी आदत है. मुझे भी पिलाती है ज़बरदस्ती, तो मैं भी पी रही हूँ थोड़ी सी अभी. बोल, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, यही बोल दिया कर तू रोज. चलो तो गाइस सुन लेना दीदी की बात. बाय बोलो, बाय. A few moments later. So guys, ये देखिए मैं ये 3 कैप लेके आई हूँ पानाजी के लिए, और मैं एक और ड्रेस लेके आई हूँ पानाजी के लिए. ये मुझे 150 की मिली है, और ना ये बत्ती, ये ना धागे की बत्तियाँ होती हैं, बहुत अच्छी बनी हुई होती हैं, तो मैं यही लेकर आती हूँ हमेशा. और ये देखिए प्रियंका के लिए चूड़ी लेके आई हूँ कल के लिए, ग्रीन कलर की, छोटी छोटी सी आती है उसको. तो मेरी ये है, मैं ना गाजियाबाद गई थी ना, तो वहाँ पर मेरी थानी की बेटी ने लाके रख रखी थी, मैंने बोल दिया था उससे, तो वो ले आई थी मेरे लिए. तो मैंने ना 5 तरह के कलर की मंगाई, क्योंकि मैं पहले वसुंधरा में रहते थे ना हम लोग, तो गाजियाबाद जाती थी घंटाघर शॉपिंग करने, तो घंटाघर से ही ला के रखी थी उसने मेरे लिए. तो मैंने बोले तो उससे बहुत सारे कलर थे, बट उसे यही मिले, क्योंकि रात हो चुकी थी जब मैंने फ़ोन करा था, तो अर्जेंट बेस पे यही ला के थी. इसमें ग्रीन कलर भी है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ये ग्रीन है, ये मैं कल पहनूंगी. सो 5 डब्बियाँ लाई थी मैं. ये वहाँ पर मुझे 1 डब्बी 65 की मिली, और यहाँ पे ये छोटी चूड़ी है, क्योंकि नाप के हिसाब से भी मिलती है ना कुछ चूड़ियाँ, तो ये 40 रुपीज़ की मिली है प्रियंका की. अभी ना कीप ला के रख दी हमने, मेहंदी का कौन होता है जो, अभी हम मेहंदी भी लगाएंगे. और हम लोग व्रत नहीं रखते हैं, कभी रखा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई नहीं रखता. हाँ वैसे सब लोग सजेंगे जिसका जैसा मन करता है वैसे, बट व्रत वगैरह नहीं रखते हैं हम लोग. और पकवान बनते हैं, कल से हमारे यहाँ से बोलते हैं कि आ गई तीज बो गई बीज, मतलब त्यौहार शुरू हो जाते हैं, त्योहारों की हरियाली छा जाती है एकदम से, तो अच्छा लगता है कल का दिन. तो मैंने सोचा कि कल के दिन में कुछ थोड़ा सा प्रियंका के लिए चूड़ी वगैरह लाती हूँ, उसको कल थोड़ा सा तैयार करूँगी. सो ले आई, वो चीज़ें ऐसी पहनती नहीं है ना, तो लेकर आई उसके लिए चूड़ियाँ प्लेन ही, और अब मेरे लिए तो पहली ले आई थी मैं. सो चलिए मैं ना थोड़ी सी मेहंदी लगाती हूँ, और फिर मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि नींद तो मुझे अभी से आने लग गई है, क्योंकि आज थोड़ा दिन भर ना बहुत ज़्यादा काम था, और फिर
मार्केट भी जाना पड़ा क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था ग्रॉसरी की शॉपिंग करना, सो इसलिए मुझे जाना पड़ा, वरना तो मैं नहीं जाती। फिर लक्ष्मी नगर पास ही पड़ जाता इजी डे से, तो मुझे एक वाइट दुपट्टा लेना था क्योंकि परसों मेरे भतीजे का बर्थडे है, तो जो कुर्ता मुझे पहनना है उसका दुपट्टा वाइट जाता, तो वो लेने के लिए मैं वहाँ गई क्योंकि यहाँ आसपास वो चीज़ नहीं मिलती जो मुझे चाहिए होती है। मैं दुपट्टा भी लेकर आई हूँ ना, वो दिखाऊंगी आपको। 600 रुपये का दुपट्टा है कॉटन का, मगर दुपट्टा ही है, फिर वो बहुत शानदार लग रहा है मुझे वो। सो वाइट है, कॉटन है और कुछ नहीं है उसमें, सो मैं दिखाऊंगी आपको। तो चलिए अभी मैं मेहंदी लगा लेती हूँ थोड़ी सी, वैसे मुझे आती नहीं है बट वो देख देख के थोड़ा थोड़ा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। लो आप, मैं मेहंदी लगा रही हूँ, मुझे लगानी नहीं आती है, ये देखो कैसे कैसे करके लगा रही हूँ, मेरे को एक घंटा हो गया इसमें। सो देखो शगुन कर रही हूँ तीज का बस। सो चलो मैं लगा लेती हूँ, आपसे मिलूंगी कल, कल है तीज और कल मैं दिखाऊंगी इसका कैसा कलर आया। सो आप लोग भी इंजॉय करिए और अपना त्यौहार अच्छे से मनाइए, मेहंदी लगाइए, खुश रहिए और मुझे लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब करते रहिए। मिलते हैं आपसे कल, तब तक बाय।